नमस्कार, मैं शिवानी अपने सहयोगी ज्योति कुमार के साथ एक बार फिर पूर्वोत्तर की खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ज्योति जी, जैसा कि आप जानते हैं, असम में NRC लागू हो चुकी है और इसी के साथ ही ऐसे पूरे देश में कई राज्य हैं जो इसके समर्थन में उतर रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, त्रिपुरा हो या फिर मणिपुर जी। इसी के चलते हम आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री NBN Singh ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो अपने राज्य में यानी मणिपुर में भी NRC को लागू करना चाहते हैं। हाल ही में नेडा का सम्मेलन हुआ है जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में केंद्र से संपर्क कर लिया है और राज्य ने भी इस बात की जो मंजूरी है वो दे दी है, इस प्रस्ताव को, NRC के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और वो केंद्र सरकार से इस बारे में जो है वो सीधा संपर्क करेगी। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ मणिपुर को ही नहीं, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों को जो है वो NRC की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि हम देखते रहते हैं पूर्वोत्तर के 8 राज्य जो हैं वो बहुत ही नाजुक हैं इस मामले में, क्योंकि वहाँ जो विदेशियों की जो घुसपैठ है वो बहुत आसान है और आए दिन हमें ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं कि कई विदेशी जो है वो घुसपैठ कर भारत में आ जाते हैं, जिसके चलते मणिपुर के मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है और NRC का पूरी तरह से जो है वो समर्थन किया है। जी हाँ शिवानी, मणिपुर सरकार की कैबिनेट जो है जी उसने इसको मंजूरी भी दे दी है और इसके बाद उन्होंने आगे जो बयान दिया उन्होंने कहा कि केंद्र का रुख जो है इस मामले पर NRC मामले को लेकर वो स्पष्ट है और केंद्र सरकार देश के किसी भी हिस्से में जो विदेशी घुसपैठियाँ हैं उनको रहने नहीं देगी और इसके लिए सरकार से वो मतलब बात करेंगे और NRC लागू करने के लिए मतलब इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और असम की बात करें तो असम में ये जो NRC है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मतलब लागू किया गया है और ये जो मणिपुर सरकार है इसके लिए असम में जो लागू हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है, जिसके लिए आप जो है मणिपुर की बात करें तो वो केंद्र सरकार की पूरी तरह से निगरानी में की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो प्रस्तावित है उसके हिसाब से वो फैसला। जी जी बिल्कुल, ये राज्य सरकार ने पूरी तरह से इस बात पर स्पष्टीकरण दे दिया है। जी, अब रुख कर लेते हैं ज्योति जी असम NRC की तरफ। अगर बात करें असम NRC की तो 2018 में 30 जुलाई को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC की जो अंतिम ड्राफ्ट है वो जारी की गई थी और इसी के साथ ही इसमें 3.29 करोड़ लोगों ने अपना नाम जो है सम्मिलित कराने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि 40 लाख लोग जो है वो इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अंतिम ड्राफ्ट में 40 लाख लोग बाहर हुए थे, जिन पर एक तरह से देखा जाए तो विदेशी होने का ठप्पा सा लग गया था। लेकिन उसके बाद अभी वर्तमान की बात करें तो 31 अगस्त को जो NRC की फाइनल लिस्ट जारी हुई है उसमें 3.30 करोड़ लोगों ने जो है वो आवेदन किया था, जिसमें से 3.11 करोड़ लोगों का जो नाम है वो शामिल किया गया था। इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 19,06,000 से ज्यादा लोग जो थे वो इस लिस्ट से बाहर रख दिए गए, जिन पर विदेशी नागरिक होने का कहीं ना कहीं ठप्पा सा लग गया है। जी हाँ बिल्कुल सही है, जो 19 लाख लोग हैं इसमें बाहर हुए हैं और इसके थोड़ा सा जो NRC है क्या उस पर थोड़ा नज़र डालें तो 25 मार्च 1971 इससे पहले जितने भी विदेश से लोग आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जो भी हैं देश विदेश पड़ोसी देश हैं वहाँ से आए हैं तो उतने तक मतलब जो 71 से पहले आए हैं उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी और या वो रह सकते हैं या रहते हैं देश में, लेकिन 71 के बाद जितने भी विदेशी आए हैं जी उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ये केंद्र का मतलब रुख है जी। और आपको बता दें कि 1951 में NRC को मतलब जो लागू किया गया था, उसके बाद जो ये असम पहला राज्य है जहाँ NRC को अपडेट किया जा रहा है जी, मतलब हाल में अपडेट किया, इससे मतलब हाल फिलहाल में किसी भी अन्य राज्य में इसको अपडेशन इसका नहीं किया गया था। पूर्वोत्तर की बात अगर हटा दें तो पूरे देश में अगर देखा जाए तो असम ही पहला राज्य है जहां NRC की जो कवायद है वो पूरी तरह से पूरी की गई है जी।
लेकिन अब असम के बाद धीरे धीरे शायद पूर्वोत्तर के सभी राज्य इसमें सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग, बहुत राज्य जो है इसके पक्षधर हैं, पक्षधर हैं, चाहते हैं वहाँ जी। और इस लिस्ट में अब असम के बाद सबसे आगे नाम निकल कर आ रहा है मणिपुर का।